सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट कैमरा मोबाइल अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। OIS की सपोर्ट भी दिया गया है, उसके साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले भी मिलेगा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर मिलेगा सिर्फ 15,000 के अंदर। तो डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की सबसे पहली जो डिवाइस है उसकी में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, डिवाइस का नाम है Samsung Galaxy M34 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जब पे मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा जिसे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, फ्रंट और रियर की दोनों कैमरा काफी अच्छे हैं। और दोस्तों, जैसे कि पता है सैमसंग की मोबाइल उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, तो इस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Exynos 1280 5G चिपसेट जो 5nm पे बेस है। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम और 128GB रोम भी मिल जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाले। यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी है। दोस्तों, और एक चीज इस मोबाइल के अच्छी लगी, यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 25W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, सैमसंग की इस मोबाइल पे आपको 5 ईयर के अपडेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए ये मोबाइल काफी अच्छे ऑप्शन हो सकती है। वहीं पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस 16,500 के आसपास रहता है, पर कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है और इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पर आप अगर एक 5G बेस्ट कैमरा मोबाइल को ढूंढ रहे हो तो इसके साथ आप जरूर जा सकते। तो दोस्तों, ये डिवाइस है वीवो की तरफ से, वीवो T2 5G अभी सेल चल रहा है और सेल पे यहाँ पे मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो जान लेते हैं क्या कुछ आपको फीचर इस डिवाइस में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 6.38 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा विद 90Hz रिफ्रेश रेट। आपको मिलेगा 1300 निट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और यहाँ पे आप हाई क्वालिटी पे कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छा है। सिर्फ दोस्तों डिस्प्ले नहीं, इसके साथ साथ इसकी जो कैमरा है वो भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे डुअल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद OIS। हाँ दोस्तों, OIS की सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस डिवाइस को आप कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के लिए भी खरीद सकते हो। जैसे कि पता है वीवो के मोबाइल कैमरा के लिए जाने जाते हैं, तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों, ये प्रोसेसर काफी तगड़ी है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4500mAh का बैटरी विद 44W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आपकी जो मोबाइल की चार्ज है वो 25 मिनट पे 50% हो जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला एमोलेड डिस्प्ले, तो इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों, ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस नॉर्मल टाइम पे 17,000 रहता है, पर अभी सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ दोस्तों, आपके पास अगर है HDFC SBI की क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, तो आपको मिल जाएगा 2000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 15,000 हो जाएगा। इस टाइम पे अंडर 15,000 पे इंडियन मार्केट पे ये मोबाइल वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप अगर लेना चाहते हो 15,000 के अंदर एक 5G डिवाइस, तो आप बंद करके इसके साथ जरूर जा सकते हो। काफी शानदार सा एक डिवाइस है।
तो दोस्तों ये डिवाइस है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G54। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी अच्छा से कैमरा डिवाइस है, तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विथ OIS मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड OIS को प्रोवाइड करता, पर आपको इस डिवाइस पे मिल जाएगा। दोस्तों आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको रियर पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। इस मोबाइल की फोटो और वीडियो की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 5G चिपसेट, जो 6nm बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंटीटू स्कोर वो करीब करीब 4 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8GB का मैसिव रैम और 128GB का रोम, जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगते है काफी ज्यादा है। और बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा 33W फास्ट चार्जिंग की साथ। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटम्स स्टेरियो स्पीकर मिलेगा, IP52 के वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 13 पे रन होगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, और मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाले 12 5G बैंड, जो काफी अच्छी बात है। कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको इस डिवाइस में नहीं आएगा। दोस्तों ये तो गाइस इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB, उसका प्राइस 14,000 है, पर अभी यहाँ पे देख सकते हो 1,400 रुपी का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी जो प्राइस वो 12,600 हो चुका है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल है, तो आप अगर लेना चाहते हो इसे जरूर ले सकते हो। और जो 12GB 256GB वाला वेरियंट है, उसकी प्राइस अभी 15,000 है, वहाँ पे भी आपको 1,400 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme 11 5G, जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम, जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन Realme 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस आता है। तो दोस्तों बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट, ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम और रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिवाइस के, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है, जिसके मदद से आप 0 to 50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है।
वाई पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले रियलमी यूआई 4.0 और एंड्रॉइड 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसके काइंड टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15,000 to 16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर पाते हो तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB, उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi Note 13 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को डिटेल्स में जान लेते। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे बैक कंप्लीट की ग्लास की होने वाला है। इस डिवाइस की वेट ओनली 174 ग्राम है। ग्लास बॉडी के साथ भी काफी हल्का, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वो मैं बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर मिलेगा इस डिस्प्ले के। और डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले 120Hz के रिफ्रेश रेट, जो डिस्प्ले को काफी स्मूथ कर देगा। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले 1000 nits पीक ब्राइटनेस, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले को सेफ रखने के लिए यहाँ पे दिया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। इस डिवाइस के आपको 3 RAM ROM वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट 6GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB। तो रैम रोम वेरिएंट काफी ज्यादा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग। डिवाइस की सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको मिलने वाले साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 पे। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसके काइंड टाइम पे प्राइस 17,000 टू 18,000 के अंदर फ्लैक्चुएट हो रहा है। उसके साथ साथ 8GB प्लस 256GB का जो प्राइस है वो 19,000 है, और 12GB और 256GB का प्राइस अभी करंट टाइम पे 21,000 के आसपास है। पर मैक्सिमम टाइम बेस वेरिएंट पे आपको 1,000 या फिर 1,500 इसके आसपास डिस्काउंट मिल जा रहा है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 16,000 के आसपास आ रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी वेरिएंट को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।